हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो मैं हूं आकाश पटेल, आप देख रहे हैं यूनिक मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? बहुत दिन से स्ट्रक्चर की सीरीज बंद कर रखी थी। उसका रीजन ये था कि मुझे लग रहा था कि शायद लोगों को नहीं चाहिए, तो उसका रिस्पॉन्स ज्यादा नहीं मिल रहा था मुझे। बट जैसे ही बंद किया, बहुत से रिस्पॉन्स आने लगे, तो लोगों ने मैसेज किया कि सर शुरू करिए। तो जैसे स्ट्रक्चर के सीरीज में हम लोगों ने सब कुछ बीम कॉलम कोटिंग स्लैब पूरा का पूरा प्लेलिस्ट ही आप कवर कर लेना, जिसने जो भी नए लोग हैं। बाकी मैंने ऐप पर भी डाल रखा है सारे लेक्चर्स। आज हम बात करेंगे कि इनसे रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आगे जितने भी हैं, ईटैब है, सेफ है और सेफ है, और उसके बाद आरसीडीसी स्टैंड है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे कि करके। तो आज का जो स्पेशल एपिसोड है, ये एपिसोड बेस्ड ऑन ईटैब्स है। अगर आपने ईटैब सीखा है तो ये चीजें सीखी है क्या, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले यूनिक सिविल ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे और साथ ही साथ बहुत ढेर सारे प्रैक्टिस प्रोजेक्ट मिल जाएंगे जिनको आप ऑटो कैड स्टैट प्रो में प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें फ्री और पेड दोनों कंटेंट है, जो आपको पसंद आए वो आप उसको लेके यूज कर सकते हैं। सो पहले आप लोग ऐप डाउनलोड करिए। चलिए, थैंक यू, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप सब ने ईटैब सीखा, ठीक है, या फिर सीखने वाले होंगे, या फिर यूट्यूब से आप एक एक करके उसको सीख रहे होंगे। तो जब आप ईटैब को सीख रहे हो तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आने चाहिए जो इंटरव्यूअर को चाहिए आपसे, वो आपको मैं आज बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, जो ईटैब की कंपनी होती है, जो मतलब जो कंपनी ईटैब्स को यूज कर रही है, 80% चांस है कि वो हाई रेंज बिल्डिंग पे काम कर रही होगी। ईटैब्स वही यूज करते हैं ज्यादातर जो हाई रेंज बिल्डिंग पे काम करते हैं। अब वो आपसे स्टार्टिंग तो नॉर्मल चीजों से पूछते हैं, जैसे कि ईटैब का फुल फॉर्म क्या है, एक्सटेंडेड थ्री डायमेंशनल एनालिसिस बिल्डिंग सिस्टम, और ईटैब कौन सी कंपनी ने बनाया, सीएसआई कंपनी ने बनाया, कंप्यूटर स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड का फुल फॉर्म है सीएसआई कंपनी ने। फिर आपसे पूछ लेते हैं फाइल का फॉर्मेट, पहला क्या पूछा फुल फॉर्म बताओ, दूसरा क्या पूछा किस कंपनी ने बनाया, तीसरा क्या पूछ रहे हैं फाइल जब सेव करते हैं तो कौन से फॉर्मेट में, .edb फॉर्मेट में इसको सेव करते हैं, कौन कौन सी फाइल्स इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से कर सकते हैं, बट जनरली हम लोग DXF फाइल को इंपोर्ट करते हैं अपने इसमें। यहाँ से लेके कहाँ जा सकते हैं, यहाँ से लेके आप स्टैंड में जा सकते हो फाइल को, RCDC में लेके जा सकते हो, और ये सब फॉर्मेट्स में आप लेके जा सकते हो। चलिए, तो रहा फॉर्मेट की बात कि कौन से फॉर्मेट क्रिएट होता है, किसने बनाया और कौन सी कंपनी ने बनाया फुल फॉर्म। अब इसके आगे वो थोड़ा डीप घुसते, ये तो जनरल था, यहाँ बता दिए तो ठीक, नहीं तो आउट हो गए। तो फिर जाओ अगर इसके अंदर गए तो अंदर क्या पूछते हैं आपसे, स्टैटिक एनालिसिस क्या होता है। तब बोलते हो कि कोई बिल्डिंग रेस्ट कर रही है, उसको एक एक्सिस से क्यों रिस्पांस दिया, लैटरल फोर्स लगाया, दूसरे एक्सिस से क्या लैटरल फोर्स लगाया, उससे हम लोग देखते हैं कि बेस शियर पर क्या इफेक्ट आ रहा है। बेस शियर का फॉर्मूला आपको पता होगा, VB = AH × W, ठीक है, तो वो फॉर्मूले से हम लोग देखते हैं कि बेस शियर कितना आ रहा है हमारा, इस पर रिस्पॉन्स क्या रहेगा, लैटरल इफेक्ट कितने आ रहे हैं, ये हमारा क्या स्टैटिक एनालिसिस होता है। अब वो हाई रेंज बिल्डिंग पे भी काम कर रहे हैं ना, तो आपसे पूछेंगे डायनेमिक एनालिसिस क्या होती है। आप भजाओ यार, स्टैटिक से बड़ा था, डायनेमिक कौन सा नाम है, स्टैटिक वही है जो जनरल आप लगाते हो, आपने किया होगा, बहुत से लोगों ने तो मेरे से किया है, फिर कहीं से भी किया होगा। डायनेमिक, डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक में एक बिल्डिंग रेस्ट पे है, अब उसको अलग अलग टाइम पीरियड पे क्या रिस्पॉन्स होगा, मतलब इसको बोलते हैं डीप डिस्कशन, डीप स्टडी उसका करके कौन से टाइम पीरियड पे क्या रिस्पॉन्स होगा, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसका क्या होगा, कहां पर हमें सॉफ्ट स्टोरी आ जाएगी, कहां पर पीक स्टोरी की क्या वैल्यू होगी, बेस ईयर कहां पर कितना होगा, ये एक एक स्टेप पे चेक करने को क्या बोलते हैं हम लोग डायनेमिक एनालिसिस। इस पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो उसके लिए मुझे स्लाइड्स की जरूरत पड़ेगी। तो डायनेमिक एनालिसिस इसको बोलते हैं, और यह स्टैटिक एनालिसिस, इससे क्वेश्चन फिक्स है। इसके बाद पूछते हैं मास सोर्स, कई लोगों ने पढ़ा होगा मास सोर्स, और मास सोर्स में क्या पूछते हैं, मास सोर्स क्या पूछते हैं कि क्या होता है ये, तो स्केल फैक्टर को प्रोवाइड करता है कि अगर हम 3 किलोमीटर के ऊपर है तो 50% कंसीडर कर रहे हैं लाइव लोड को, 3 किलोमीटर से नीचे लाइव लोड हमारा तो उसको 25% ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये क्या बताता है स्केल फैक्टर कितना प्रोवाइड करना है, उसके लिए मास सोर्स प्रोवाइड करते हैं। डायफ्रेम को क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, शायद आपको पता होगा, पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो इसको सीजी को एक करने के लिए, किसको सीजी को एक करने के लिए हम डायफ्रेम्स लगाते हैं सेल्स पे, ठीक है, विंड एनालिसिस और सेस्मिक में हमको उसको लगाना चाहिए, इससे हमारा रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है बिल्डिंग का, मतलब रिजल्ट अच्छा मिलता है। चलिए, फिर आपसे क्वेश्चन जो पूछते हैं, वो क्वेश्चन मुझे जो याद है, जो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पूछते हैं आपसे, लोड पैटर्न क्या होता है, लोड पैटर्न के अंदर हम लोग पैटर्न प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सा लोड चाहिए, वो लोड की हम लोग लिस्ट, उसका IS कोड, उसके फैक्टर्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं।
ओके, लोड केसेस क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के लोड केसेस को डिफाइन करते हैं। अच्छी बात है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं वो क्वेश्चन थोड़ा और डीप में जाते हैं। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस क्या होता है, टाइम स्टे एनालिसिस क्या होता है। रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस डायनेमिक एनालिसिस ही है। इसमें हम लोग एक एक टाइम पीरियड पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो हम लोग देखते हैं। टाइम हिस्ट्री एनालिसिस में ओल्ड डाटा, जो सबसे बड़े अर्थक्वेक उस एरिया में आए रहते हैं, उनके अर्थक्वेक के डाटा को अपनी बिल्डिंग पर डालते हैं कि अगर उतना अर्थक्वेक आ गया तो रेस्ट कर पाएगी कि नहीं बिल्डिंग, ये पता करने के लिए टाइम हिस्ट्री एनालिसिस की बात करते हैं। और अंदर जाते हैं और टफ पूछेंगे, बोलेंगे पी डेल्टा एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, पी डेल्टा एनालिसिस क्या होता है, इसमें हम लोग का लैटरल फोर्स, लैटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होने लगता है, डेल्टा की गैपिंग आ जाती है हमारे किसी भी बिल्डिंग में, तो क्या होता है डेल्टा इफेक्ट आ जाता है। तो जब डेल्टा इफेक्ट आता है तो हमें देखना होता है कि हमारी बिल्डिंग में आएगा क्या, वो उन्हीं बिल्डिंग में आता है जिन बिल्डिंग में लैटरल इफेक्ट्स ज्यादा है, आप डायग्राम में देख सकते हो। तो पी डेल्टा इफेक्ट्स का भी एक बड़ा टॉपिक है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना, आगे के स्ट्रक्चर्स के एपिसोड में इन सबको मैं ऐड करने वाला हूं, ऐसे मेरा प्लान है। चलिए, तो ये रहा आपका पी डेल्टा एनालिसिस। अब इसके बाद और किससे क्वेश्चन पूछेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पूछेंगे आप इंपोर्ट कैसे करते हो, बहुत इजी ऑप्शन है, बट इंपोर्ट कैसे करते हो, ठीक है, रिजल्ट्स को कैसे देखते हो, डिटेलिंग कैसे करते हो, आप जो मतलब आपका ईटीएफ का फाइल है उसका डिटेलिंग कैसे करते हो, बहुत इजी स्टेप उसका भी है डिटेलिंग करने का। और बेस पर रिस्पॉन्स सपोर्ट रिएक्शन, रिएक्शन कैसे देखते हैं और रिएक्शन क्या होता है इस पर क्वेश्चन पूछते हैं। और आपका जो लेवल्स है, लेवल्स कैसे क्रिएट करेंगे, ग्रिड में सर्कुलर ग्रिड किस तरीके से क्रिएट करेंगे, क्योंकि नॉर्मल ग्रिड तो आती है, सर्कुलर ग्रिड किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वहां फंस जाते हो। ठीक है, रेफरेंस प्लेन, मतलब एक प्लेन है कि 3, 6, 9, अब उसके बीच में 6 और 3 के बीच में 4.5 पर एक रेफरेंस प्लेन ड्रॉ करना है, ये कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग फंस जाते हैं। ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाते हैं। अब इसके बाद आपसे थोड़ा और घुमाएंगे, बोलेंगे स्टील स्ट्रक्चर होता है क्या ईटीएफ के अंदर, बिल्कुल स्टील स्ट्रक्चर को भी हम कर सकते हैं, हाईएज स्टील स्ट्रक्चर को भी कर सकते हैं, आईएसएमबी है, आईएसएलबी है, इनके फुल फॉर्म्स पूछ लेंगे, कहां पर कौन सा यूज करना चाहिए, कैसे इसको डिजाइन करेंगे, कौन सा आईएस कोड यूज करेंगे, ये भी पूछते हैं। आप जो सीयर वॉल लगाओगे, सीयर वॉल कौन सी लगाओगे, कैसे ड्रॉ करोगे सीयर वॉल को, इससे क्वेश्चन पूछते हैं। सीयर वॉल की थिकनेस 150 टू 400 एमएम मैंने पहले ही बता रखा है, ये सब क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है पहले, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं सबको पता है इनके आंसर्स। तो सीयर वॉल जो होती है, सीयर वॉल की थिकनेस कितनी रखते हैं, ठीक है, किस डायरेक्शन में रखेंगे, क्यों रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछता है, अभी लास्ट में पूछा था किसी से कि सीयर वॉल क्यों रखते हैं, सीयर वॉल रखते हैं टॉर्जन इफेक्ट्स को कम करने के लिए। किसके लिए, टॉर्जन इफेक्ट बिल्डिंग में अगर आ रहा है तो सबसे अच्छा रहता है कि अगर आप सीयर वॉल प्रोवाइड कर दिए तो वो इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। ये थे कुछ कॉमन फैक्ट्स रिलेटेड टू ईटैप। ईटैप में इतनी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, और अगर इतनी चीजें नहीं आ रही हैं तो फिर आपने जो ईटैप सीखा है उस ईटैप में और इस पर डिफरेंस है। ठीक है भाई, यही चीजें चाहिए, कुछ ये मेरे से स्किप भी हुई होंगी, जैसे विंड एनालिसिस है, विंड कैसे करते हैं, वीवी K1 K2 K3 क्या है, ठीक है, एक एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, K1 कब प्रोवाइड करेंगे, K2 का क्या वैल्यू होता है, K3 का क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मैंने पीछे वीडियोस बनाए हुए विंड एनालिसिस पे, उसको भैया एक बार देख लियो, ठीक है, देखोगे तो क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा। तो विंड एनालिसिस से क्वेश्चन, सेस्मिक एनालिसिस से, अब डायनेमिक में रिस्पॉन्स, और उसके बाद पुश ओवर एनालिसिस एक है, पुश ओवर एनालिसिस में हिंजेस प्रोवाइड करते हैं 5% पर, 95% पर, उससे क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और उसके बाद आपका टाइम हिस्ट्री एनालिसिस से करेंगे, और लास्ट में पी डेल्टा एनालिसिस से आपको क्वेश्चन करेंगे। ये सब बड़े बड़े चारों टॉपिक हैं, कौन कौन से, टाइम हिस्ट्री और आपका रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम और पी डेल्टा और पुश ओवर एनालिसिस, ये चारों जो एनालिसिस हैं ये बड़े एनालिसिस हैं, इससे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे आपको फंसाने के लिए। स्टैटिक में आपने विंड और सेस्मिक का मैंने आपको बता ही दिया, ये है, और फिर बीच में आपको सीयर वॉल के टॉपिक्स पढ़ लेने चाहिए, सीयर वॉल के टाइप्स, उनकी थिकनेस क्यों प्रोवाइड करते हैं ये पढ़ डालो, फाइल का फॉर्मेट, फाइल का नाम ये पढ़ डालो, ऑटोकैड से कैसे इंपोर्ट करोगे, उसका पूरा प्रोसेस क्या है, डिटेलिंग कैसे करोगे, उसका रिजल्ट कैसे देखोगे, ये पढ़ लो। बस इतनी सी चीजें हैं, अगर आपने पढ़ रखी हैं तो ईटैक का इंटरव्यू क्रैक करना आपके लिए आसान हो जाएगा, काम करने के लिए तो बहुत प्रैक्टिस लगेगी, आप जितने प्रोजेक्ट करते जाओ उतने ही कम है, उतनी प्रैक्टिस आपकी होती जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत, थोड़ी गर्मी हो रही है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैट के बारे में ऐसे ही डिस्कस करेंगे, अगर आप लोग रिस्पॉन्स करते हो तो। चलिए जय हिंद जय भारत।